हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बोन टूल किस तरह से यूज़ करते वो देखा और बोन टूल से थोड़ा सा एक्ट हमने करने की कोशिश की जिसमें हमने डांस और ये देखा। सेम वही कैरेक्टर लेकर के हम लोग इस वीडियो में वॉक देखेंगे। ये पिक्चर मैंने यूज़ की है सर्वाइवल किट बुक से, तो इसको हम देखेंगे यही सेम कैरेक्टर लेकर के। इसको हम जिस तरह से पोजेज यहाँ पर दिए हैं ऐसी पोजेज हम पहले तो इसको बनाएंगे। इसको ऑलरेडी मैंने ग्राफिक सिंबल में इसको सबको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ये पिवट पॉइंट हमने मैच किए थे, जो सेम हम यहाँ मैच करेंगे और ग्राफिक सिंबल के थ्रू प्रोग्रेसिव वॉक कैसे बनाते हैं यह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये सारे पिवट पॉइंट हम लोग मैच कर रहे हैं। सर्वाइवल किट एक एनिमेशन की बहुत फेमस बुक है जिसका पेज जिस मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इसमें उन्होंने समझाया है कि किस तरह से हमारी फर्स्ट पोज और किस तरह से हमारी लास्ट पोज होगी, ये इसमें मैंने दिखाया है। तो इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से एनिमेशन होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि हम लोग आगे की तरफ चलना है। अब इसको साइड का मुझे करना है तो मैं इस आईज को और इस आईबॉल को सेट करूँगा ताकि वो लगे साइड में। वाइट कलर यहीं से पिक करके फिल कर देंगे और वैसे ही लिप्स को भी मैं आगे ले लूँगा चूँकि ये ग्रुप में है। इसको डबल क्लिक करके इसको हटा दूँगा और उसको सेट कर दूँगा वहाँ पर। अब हैंड को, लेग को, सबको सबसे पहले हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चूँकि डिस्ट्रीब्यूट मैंने कर दिया है, सारे के सारे लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये लेयर हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। और अब देखोगे यहाँ पर कि सारे के सारे मैंने ग्राफिक में कन्वर्ट किया था तो सबके अलग अलग नाम दे रखे हैं। अब ग्राफिक सिंबल जब हम करते हैं तो इस तरह से एनिमेशन विदाउट बोन के, जो पहले से बोन जब नहीं था तब इसी तरह का एनिमेशन होता था। और ये कुछ हद तक आसान भी लगता है क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस में भी इसी तरह के एनिमेशन किए जाते हैं। इस हैंड को मुझे पीछे लेके जाना था इसलिए उसको टोर्सो के नीचे कर दिया और इसको एक साथ हम लोग तीनों हैंड को सिलेक्ट करके एक साथ इसको मूव कर सकते हैं, तीनों पार्ट को सिलेक्ट करके और इसको पॉइंट को ऊपर सेट करके इसको मूव कर सकते हैं हम। तो मैं अभी यहाँ सेट कर रहा हूँ इसकी पोज, वॉकिंग के लिए जो पोज है वो पोज में सेट कर रहा हूँ। ऐसे लेग को भी करेंगे। अब जिस तरह का एक जो हैंड आगे की तरफ है उसके जैसे अपोजिट उसका लेग होता है, ये वॉक पे ध्यान रखना है। जैसे ये देखो ये लेग है, ये आगे हो जाएगा इस साइड वाला और पीछे वाले लेग, हैंड और लेग ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये वॉक में ध्यान रखना है हमें। इसको सेटिंग में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है पर एक बार सारे पॉइंट और सब कुछ सेट हो गया तो फिर वॉक करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती नहीं है। ऐसे ये तीनों में इसको पीछे लेके जाऊंगा टोर्सो वाले पार्ट को, यहाँ से उठा करके टोर्सो से जस्ट नीचे ये चले गए पीछे और
पॉइंट के थ्रू करेंगे तो बेटर रहेगा। इस लेक को मैं आगे कर दूंगा, इसको पॉइंट चेंज कर दूंगा। इस तरह से ये पूरा सेट हो गया हमारा कैरेक्टर और ये वॉक के लिए बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट हम इसको किस तरह से इसको वॉक कराना है ये हम लोग देखेंगे। थैंक यू।